नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए SSC 2017 का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा सेट पेपर नंबर 2 है जिसमें GS के 50 क्वेश्चन आए थे, उनको डिस्कस करूंगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जाम हमारा 5 दिसंबर 2017 को हुआ था। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वीकृति निधि क्या है लाख रुपये में। ये ऑप्शन आपका 200, आपका बी ऑप्शन है 400, आपका सी ऑप्शन है 600, आपका डी ऑप्शन है 650। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ई ऑप्शन सही, यानी कि 200 लाख रुपये की न्यूनतम शुद्ध सुधाकृति निधि होनी आवश्यक है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित एक कंपनी और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 IE के तहत परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था की व्यवस्था शुरू करने हेतु, ठीक है, क्या नियम है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है हमारा, इसमें 200 लाख इनकी इसमें 200 लाख रुपए की न्यूनतम शुद्ध सुधाकृति निधि होना आवश्यक है। ठीक है, ये दो नियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत युग में है। ये ऑप्शन आपका मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र, आपका बी ऑप्शन है परिवहन द्वितीयक क्षेत्र, आपका सी ऑप्शन है बैंकिंग तृतीयक क्षेत्र, आपका डी ऑप्शन सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक क्षेत्र। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, परिवहन द्वितीयक क्षेत्र, ये हमारा कैसा गलत युग में है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे परिवहन तीन क्षेत्रीय सिद्धांत के तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट है, इस क्षेत्र में अंतिम उत्पाद के बजाय सेवा का उत्पाद सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। ए ऑप्शन आपका मौसमी बेरोजगारी, बी ऑप्शन आपका डिस्गाइज बेरोजगारी, आपका सी ऑप्शन है शैक्षणिक बेरोजगारी, आपका डी ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन सही, शैक्षणिक बेरोजगारी। ठीक है, शैक्षणिक बेरोजगारी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे बेरोजगारी योग्यता होने के बावजूद काम और मजदूरी न मिलने की स्थिति है। ठीक है, जब लोगों को शिक्षा मिलती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। ये ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, आपका बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, आपका सी ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, आपका डी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री। तो बताइए भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक करता है, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे रेपो दर वह दर है जब जिस पर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को पैसे उधार देता है उसे क्या कहते हैं, हम रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा, किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। ए ऑप्शन आपका एक तंत्रीय, बी ऑप्शन का लोकतंत्रीय, आपका सी ऑप्शन है कुलीन तंत्रीय, आपका डी ऑप्शन है धनिक तंत्रीय। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन सही, यानी कि लोकतंत्रीय। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही होगा, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे लोकतांत्रिक सरकार एक प्रणाली है जिसमें लोग चुनाव में उनके लिए मतदान करके अपने शासकों का चयन करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। ये ऑप्शन कारावास, बी ऑप्शन आपका निषेधाधिकार, आपका सी ऑप्शन है तख्ता पलट, आपका डी ऑप्शन है सेंसरशिप। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, यानी कि सेंसरशिप। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की प्रभुत्वता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का प्रयोग पर अदालत की अवमानना, मानहानि और एक अपराध के लिए उकसाने पर उचित प्रबंध लगा सकता है। यह हमारी किसके सेंसरशिप के शर्तों के तहत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा, इनमें से कौन
संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन आपका भारत के वित्त मंत्री, आपका सी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, आपका डी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा, भारत के राष्ट्रपति। आपका बी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे भारतीय संसद में राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में शामिल है। ठीक है, याद रखना भारतीय संसद में राष्ट्रपति दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शामिल है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हैं लेकिन वह दोनों सदनों में से किसी में बैठने और चर्चा में भाग नहीं लेते। याद रखना ये अच्छा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एट हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति देता है। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 352, आपका बी ऑप्शन है अनुच्छेद 356, आपका डी ऑप्शन है अनुच्छेद 360, आपका डी ऑप्शन है अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन अनुच्छेद 368। ये शक्ति प्रदान करता है संसद को कि संविधान में संशोधन करे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है, 368, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था। ए ऑप्शन का व्हीनसांग, आपका सी ऑप्शन है फायान, आपका सी ऑप्शन है मेगास्तनीज, आपका डी ऑप्शन है अल्वरिनी। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन सही होगा, मेगास्तनीज को भेजा गया था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे मेगास्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेलुसिड राजवंश के सेलुकस के राजदूत थे। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष तक रहा था। ठीक है, उन्होंने भारत और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में अपनी पुस्तक किसमें, इल्लिका में लिखा है, किसने, मेगास्तनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर टेन हमारा किस सेवानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ए ओ हुम ने। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे ए ओ हुम 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, ये याद रखना हमारा। उन्होंने कांग्रेस स्थापना से पहले 22 वर्षों में कांग्रेस के महासचिव के रूप में सेवा की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका लॉर्ड मिंटो, बी ऑप्शन का लॉर्ड कैनिंग, आपका सी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन, आपका डी ऑप्शन लॉर्ड लिल्टन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन सही, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हमारा किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ए ऑप्शन आपका 1910, बी ऑप्शन आपका 1915, आपका सी ऑप्शन है 1919, आपका डी ऑप्शन है 1921। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सही, 1915 में लौट कर आए थे। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। गांधी जी ने 18 जुलाई 1914 को दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया था। ठीक है, वे वहां करीब 21 वर्ष तक एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रहे। 9 जनवरी 1915 को वह मुंबई पहुंचे। उनकी वापसी के स्मरण में भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। इसी तरह का क्वेश्चन हमारे SSC के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, धम्म की शिक्षा देने वाले अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ए ऑप्शन आपका धम्म गुरु, बी ऑप्शन आपका धम्म योगी, आपका सी ऑप्शन है धम्म आचार्य, आपका डी ऑप्शन है धम्म महंत। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही होगा, धम्म महंत की नियुक्ति की थी। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे अशोक ने धम्म महंत के नाम से अधिकारियों को नियुक्त किया था। ठीक है, जो लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। ए ऑप्शन आपका 4-6, बी ऑप्शन आपका 4, आपका सी ऑप्शन है 8, आपका डी ऑप्शन है 2। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 4 आश्रम को मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जैन, यानी कि जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहे थे तब ब्राह्मण के आश्रम की व्यवस्था विकसित की थी। ठीक है, चार आश्रम की मान्यता दी गई, कौन थे हमारे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थान और संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी। ठीक है, पुरुषों ने ध्यान और अपने जीवन का कुछ हिस्सा इसमें बताया था। ठीक है, चार आश्रम थे हमारे मेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेंटीग्रेड नॉर्थ तथा डैश अक्षांश के बीच फैली हुई है, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन आपके ये बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश के बीच फैली हुई है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत भूमध्य रेखा के ऊपर 8 डिग्री 4 सेकंड और 37 डिग्री 6 सेकंड अक्षांश के बीच तथा इसके पूर्व में 68 डिग्री और 7 सेकंड और 97 डिग्री 25 सेकंड के बीच विस्तृत है। ठीक है, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, किससे, अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा। ये ऑप्शन का पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, आपका बी ऑप्शन है चीन तथा नेपाल, आपका सी ऑप्शन है म्यांमार तथा बांग्लादेश, आपका डी ऑप्शन है श्रीलंका और मालदीव, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है, उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल, पूर्व में म्यांमार और म्यांमार, पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, थाल, भोर और पाल घाटियां डैश में दर्री हैं, ये ऑप्शन आपका पश्चिम घाटियां, बी ऑप्शन आपका पूर्वी घाटियां, आपका सी ऑप्शन धौलाधार घाट श्रेणियां, आपका डी ऑप्शन महाभारत श्रेणियां, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका है ये ऑप्शन सही, पश्चिमी घाटियां में स्थित है ये दर्री। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या पश्चिमी घाट में स्थित दर रहे हैं। ठीक है, जो थाल घाट है हमारा मुंबई से नासिक को और भोर घाट है हमारा मुंबई से पुणे को और पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में शेष भारत को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है, तो बताइए हिमालय की नदियों के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा, वह केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, उसने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो हमारा कौन सा सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, हिमालय नदियां बारहमासी नदियां हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर बर्फ पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप हिमालय से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, हिमालय की पांच प्रमुख नदियां कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, तमिलनाडु के तट डैश पर अपनी कुल वर्षा का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं, आपको बताना इसका राइट आंसर, ए ऑप्शन का जून, मार्च से जून तक, बी ऑप्शन का आपका जून से सितंबर तक, आपका सी ऑप्शन है अक्टूबर से नवंबर तक, आपका डी ऑप्शन है नवंबर से फरवरी तक, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, अक्टूबर से नवंबर तक प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, तमिलनाडु के तट पर अक्टूबर दिसंबर के दौरान पीछे हटते मानसून से अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, आमतौर पर इस बरसात के विस्तार को उत्तर पूर्व या शरदकालीन मानसून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पिग्माटाइट संपन्न राज्य में से नहीं है, ए ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन आपका बिहार, आपका सी ऑप्शन है झारखंड, आपका डी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इसमें पूछा था कौन सा राज्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, भारत में अभ्रक समूह 34 फ्लोसिलिकेट खनिजों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो एक स्तरित प्लेटिक संरचना को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा को
तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, इसे कहते हैं डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकाई, बी ऑप्शन का मापक, आपका सी ऑप्शन है क्रम, आपका डी ऑप्शन है मानक। तो उसे क्या कहा जाता है? हमारा ए ऑप्शन सही होगा, आपका इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सूरज की तरह स्वयं को स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, बी ऑप्शन का प्रकाशमान वस्तुएं, आपका सी ऑप्शन है चमकीली वस्तुएं, आपका डी ऑप्शन है उज्ज्वला वस्तुएं। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन सही होगा, क्या कहते हैं? प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं, जो सूरज की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, उन्हें क्या चमकीली वस्तुएं कहा जाता है। चमकीली वस्तुएं का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन से हैं? सूर्य, तारे, प्रकाश बल्ब आदि हैं। ठीक है, वस्तुएं जो प्रकाश का प्रतिबंध नहीं करती, ठीक है, उन्हें गैर चमकीली वस्तुएं के रूप में कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें कहते हैं गैर चमकीली वस्तुएं के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। ए ऑप्शन का नेगेटिव, बी ऑप्शन का पॉजिटिव, आपका सी ऑप्शन है न्यूटन, आपका डी ऑप्शन रहित है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी पॉजिटिव होती है जो मेटल की टोपी होती है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, एक सूखा सेल आमतौर पर धातु सिलेंडर का बना होता है। ठीक है, इसका सपाट आधार होता है, वह हमारा शीर्ष पर मेटल कैप होता है। ठीक है, सिर पर मेटल कैप क्या हो, धनात्मक सेल होता है, और नीचे हमारा ऋणात्मक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता? ए ऑप्शन आपका पोलियो, बी ऑप्शन आपका चेचक, आपका सी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, आपका डी ऑप्शन है अंतःज्वार, यानी कि टाइफाइड बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन सही, टाइफाइड। टाइफाइड हमारा विषाणु वायरस के कारण नहीं फैलता। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन, ए बी सी हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, टाइफाइड बुखार जिसे टाइफाइड के रूप में भी जाना जाता है, इसे जाना जाता है सेल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, एक इमारत से ईंट जीवों में डैश के समान है। ए ऑप्शन का कोशिकाओं, आपका बी ऑप्शन है ऊतकों, आपका सी ऑप्शन है अंगों, आपका डी ऑप्शन है ग्रंथियों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? आपका ए ऑप्शन सही हो, कोशिकाओं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, एक ईंट की इमारत कई ईंटों से बनी होती है। ठीक है, जो संरचना की मूल इकाई होती है। ठीक है, कोशिकाओं, जो कोशिकाएं एक इमारत की ईंट की तरह होती हैं, जो जीवन के निर्माण के लिए इकाई हैं। ठीक है, जीवन के निर्माण की एक इकाई है। ठीक है, सभी जीवित चीजों में यह कई कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। पदार्थ वे आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन की से प्रतीत होते हैं, डैश कहलाते हैं। अम्ल, आपका बी ऑप्शन है क्षारक, आपका सी ऑप्शन है सूचक, आपका डी ऑप्शन है लिटमस। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन सही, उन्हें हम क्षार कहते हैं। आपका ए ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, ये साबुन जैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ डैश है। ए ऑप्शन आपका जंग, बी ऑप्शन आपका नमक, आपका सी ऑप्शन है मिट्टी, आपका डी ऑप्शन है धूल। तो उसे क्या कहते हैं हमारा? तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, उसे जंग कहते हैं। कौन सा पदार्थ होता है? जंग। आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, जब हम कुछ समय के लिए लोहे को कुछ समय के लिए खुले में लोहे का टुकड़ा छोड़ते हैं, तो उस पर भूरे रंग का पदार्थ का एक पतला आवरण चढ़ जाता है। इस पदार्थ को जंग कहा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जंग लगना या रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, सेलुलोज डैश का एक बहुलक है। ए ऑप्शन आपका फ्रक्टोज, बी ऑप्शन आपका ग्लूकोज, आपका सी ऑप्शन है ग्लूकोज, आपका डी ऑप्शन है सुक्रोज। तो दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो बताइए इसका आंसर, क्या नाम, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। तो दोस्तों, ये हमारा आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, उसमें हमारे सीजीएल सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के जाना चाहिए, जिससे आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकें। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा?
तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा है सी ऑप्शन, सही है। ठीक है, सेलुलोज एक ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी, डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सेलुलोज में ग्लूकोज इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला या बहुलक होता है, क्योंकि यानी कि सेलुलोज एक शर्करा से बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की परत क्या कहलाती है। ए ऑप्शन आपका धुंध, बी ऑप्शन आपका स्पलग, आपका डी सी ऑप्शन है एरोसोल, आपका डी ऑप्शन है सस्पेंशन। तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, सही, धुंध कहते हैं। ठीक, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। धुंध वायुमंडल में एक मोटी कोहरे की परत है। ठीक है, खासकर सर्दियों के दौरान जो धुंध और कोहरे से बना होता है, यह वायु प्रदूषण का एक परिणाम है। ठीक है, परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारा, एक जलीय परिस्थिति तंत्र में संख्या का परिमेय डैश होता है। ए ऑप्शन आपका सदैव उल्टा, बी ऑप्शन आपका सदैव सीधा, आपका सी ऑप्शन है आंशिक रूप से उल्टा, आपका डी ऑप्शन है तुर्क रूपी। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है बी ऑप्शन, सदैव सीधा होता है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, सीधा पिरामिड जलीय और चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जुलाई 2017 में लोकार्पण प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना एक निवृत्ति योजना है जो विशेष 10 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वाले नागरिकों के लिए है। ए ऑप्शन आपका 65, बी ऑप्शन आपका 50, आपका सी ऑप्शन है 55, आपका डी ऑप्शन है 60। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, सही होगा, 60 वर्ष। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या इससे ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ठीक है, एक विशेष रूप से घोषित पेंशन योजना है। ठीक है, याद रखना, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, स्वयं सहायता समूह जुलाई 2017 में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना नामक उप योजना के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों में डैश सेवा का संचालन करेंगे। ए ऑप्शन आपका बैंकिंग, बी ऑप्शन आपका सड़क परिवहन, आपका सी ऑप्शन है डाक, आपका डी ऑप्शन है दूर संचार। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा, क्या हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सड़क परिवहन का संचालन करेंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का हिस्सा है, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह पिछड़े क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवा का संचालन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस देश ने 5 नवंबर 2017 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक दो तीन उपकरणों का प्रक्षेपण किया। ठीक है, याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एसएससी के एग्जाम में। तो ऑप्शन आपके दक्षिण कोरिया, बी ऑप्शन आपका जापान, आपका सी ऑप्शन है चीन, आपका डी ऑप्शन है मलेशिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। किसने किया है सफलतापूर्वक परीक्षण, चीन ने किया है। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये दो उपकरणों के नाम है तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, चीन ने 27 अक्टूबर 2017 को हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया की पहली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक डैश का लोकार्पण किया है। दोस्तों ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन, लगातार तीन करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं हमारे। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपकी कार, बी ऑप्शन आपका बस, आपका सी ऑप्शन है ट्रम, आपका डी ऑप्शन है ट्रेन। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन सही होगा, ट्रम। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेना द्वारा संचालित, ठीक है, दुनिया का पहला हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रम 2017 में चीन के ताइशान शहर में सार्वजनिक परिवहन में हरी झंडी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक है, हरी ऊर्जा, कौन सी हमारी हरी ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। ठीक, किसके द्वारा, चीन के द्वारा। ठीक, कौन सा शहर में, यानी कि तांगशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, किदाम्बी श्रीकांत ने किसे हराकर पुरुष एकल वर्ग में 2017 में ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब जीता। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन आपके ये, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन सही होगा, जापान के केतो
निशिमोतो को हराकर। ठीक है, ये हमारा चौथा करंट अफेयर क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे भारत के श्रीकांत ने अक्टूबर 2017 में पेरिस में फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज में पुरुषों के एकल खिताब जीतने के लिए सीधे सेंटर से जापान के केतो निशिमोतो को हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, बीसीसीआई ने वर्ष 2017 में किस खिलाड़ी को खेल में अपने योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से मनोनीत किया? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है हमारा। ए ऑप्शन आपका विराट कोहली, बी ऑप्शन आपका आशीष नेहरा, आपका सी ऑप्शन है युवराज सिंह, आपका डी ऑप्शन है एमएस धोनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एमएस धोनी। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर 2017 में पद्म भूषण पुरस्कार के हेतु इस खेल में उनके योगदान के लिए देश के तीसरे उच्च नागरिक पुरस्कार के लिए महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया। ठीक है, पहले ही प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं कौन? महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, अगस्त 2017 में विश्व बैंक ने भारत को किशनगंगा और रिटेल जल विद्युत परियोजना को बनाने की स्वीकृति दी, जिसका विरोध डैश के द्वारा किया गया। तो बताइए किस देश के द्वारा विरोध किया गया? ई ऑप्शन आपका बांग्लादेश, बी ऑप्शन आपका चीन, आपका सी ऑप्शन है पाकिस्तान, आपका डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, आपका पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, आपका ई ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका और डी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने भारत द्वारा अगस्त 2017 में किशनगंगा और रेटल के जल विद्युत परियोजना संयंत्रों के निर्माण पर विरोध कर रहा है कौन? पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बिम्सटेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10 से 11 ठीक है, ये हमारा क्या 10 से 11 यहाँ पे क्या होगा हमारा 11 10 से 11 अगस्त 2017 को भारत के किस पड़ोसी देश में हुई थी? ये ऑप्शन आपका भूटान, बी ऑप्शन आपका बांग्लादेश, आपका सी ऑप्शन नेपाल, आपका डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, नेपाल में हुई। ठीक है, आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना भैया हमारा 10 से 11 अगस्त 2017 है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बिम्सटेक की 15वीं मंत्री स्तरीय बैठक 10 अगस्त 2017 को नेपाल के काठमांडू में साल्ट क्राउन प्लाजा में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। यूनेस्को एशियाई पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट 2017 का पुरस्कार किस मंदिर ने जीता है? बताइए किस मंदिर ने जीता है? ऑप्शन आपके ये, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन सही। ठीक है, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने जीता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ने मेरठ की श्रेणी के प्रसार में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को एशियाई प्रांत पुरस्कार जीता। ठीक है, याद रखना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 40। कृष्णा सुबोधी को 2017 में किस प्रकार पुरस्कार के लिए चुना गया? ये ऑप्शन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, आपका बी ऑप्शन है साहित्य अकादमी, आपका बी ऑप्शन व्यास सम्मान, आपका डी ऑप्शन है सरस्वती सम्मान। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया बताइए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन सही, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कृष्णा सुबोधी को 2017 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा, 25 सितंबर 2017 को गठित भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं? तो बताइए कितने सदस्य हैं हमारा? ए ऑप्शन आपका 3, बी ऑप्शन आपका 5, आपका सी ऑप्शन है 7, आपका डी ऑप्शन है 11। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा, कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। नवगठित आर्थिक सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा 8 नवंबर 2017 को भारतीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने गेहूं पर आयात शुल्क को दोगुना कर डैश तक कर दिया है। ये ऑप्शन आपका कितने तक कर दिया है? बताइए ऑप्शन आपके ये, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, 0.2% तक कर दिया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सा हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने 8 नवंबर 2017 को गेहूं के आयात शुल्क को दोगुना यानी कि 10% बढ़ाकर 20% कर दिया।
इससे क्या होगा, जिससे लेन देन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 हमारा 1 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश में सहकारिता तथा आपसी सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच एक समझौते पर मंजूरी दी है। अब आपको बताना है कौन से समझौते हैं। ये ऑप्शन आपका परमाणु प्रौद्योगिकी, आपका बी ऑप्शन है अंतरिक्ष सुधार, आपका सी ऑप्शन है सीमा सुरक्षा मामले, आपका डी ऑप्शन है प्रत्यापन ढांचा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सीमा शुल्क के मामले। दोस्तों ये लगातार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इसराइल ने अक्टूबर 2017 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उस इसराइल विरोधी ठहराते हुए सहभागिता वापिस ले ली है। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, WTO, आपका बी ऑप्शन है WHO, आपका सी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आपका सी ऑप्शन है UNESCO। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, UNECO। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, एक अध्ययन के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए नवंबर 2017 में दुनिया का शीर्ष देश का उत्सर्जक बन गया है। ये ऑप्शन आपका सल्फर हाइड्रोजन ऑक्साइड, आपका बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका डी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सल्फर हाइड्रोऑक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा, पश्चिमी अटलांटिका के नीचे उसे गहरे स्रोत का क्या नाम है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झील तथा नदियों का निर्माण को समझाता है। बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके ये। तो उसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन सही होगा, मेटल प्लूम। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे, नवंबर 2017 में जारी किए गए एक नासा के अध्ययन के अनुसार, ठीक है, एक भूतापीय ताप स्रोत जिसे मेटल प्लम कहा जाता है पश्चिमी अटलांटिका के नीचे स्थित है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 हमारा, किस राज्य की सरकार ने भारतीय महिला क्रिकेट हरमनप्रीत कौर को DSP के तौर पर नियुक्त करने जा रही है। ए ऑप्शन आपका पंजाब, बी ऑप्शन आपका हरियाणा, आपका सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आपका डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उसका तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या है, हमारा ए ऑप्शन सही होगा, क्या, पंजाब सरकार हरमनप्रीत कौर को DSP के रूप में नियुक्त करने जा रही है। आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं, उनको क्यों करने जा रही है, इसका कुछ कारण है। कारण है आपका, पंजाब सरकार ने अगस्त 2017 में राज्य पुलिस में हरमनप्रीत कौर को DSP के पद पर संभालने की प्रक्रिया की घोषणा की। ठीक है, कौर ने 115 गेंदों में अविजित 171 रन, ठीक है, नॉट आउट रन 171 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया। ठीक है, ये उन्होंने कारनामा करके दिखाया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, 11 अगस्त 2017 को दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया। ऑप्शन है आपके ये, बताइए, मैरी कॉम, बी ऑप्शन आपका महेश भूपति, आपका सी ऑप्शन है प्रोला गोपी चंद्र, आपका डी ऑप्शन है मिल्खा सिंह। तो उसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन सही, मिल्खा सिंह को नियुक्त किया। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, मिल्खा सिंह को अगस्त 2017 में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, मिल्खा सिंह को हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग सिख के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन का अहमदाबाद, बी ऑप्शन का नासिक, आपका सी ऑप्शन है नागपुर, आपका डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका है ए ऑप्शन सही, अहमदाबाद। ठीक है, आपका कौन सा, बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन, आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है उनको डिस्कस करते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे, 1 सितंबर 2017 को गुजरात से अहमदाबाद को, ठीक, गुजरात के जो अहमदाबाद से औपचारिक रूप से भारत का पहला विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखना, इस सम्मान में चार दीवारी से घिरे अहमदाबाद को देश का पहला और एशिया का तीसरा शहर बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, याद रखना,
अब भारत में कुल कितने 36 विश्व विरासत स्थल हैं और इसमें 28 हमारे सांस्कृतिक हैं, 7 हमारे कैसे प्राकृतिक हैं और 1 हमारा मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा 50वां है। किस राज्य, किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पण किया है? ए ऑप्शन आपका बीजिंग, बी ऑप्शन आपका हांजू, आपका सी ऑप्शन शंघाई, आपका डी ऑप्शन है सीजुन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा आपका, हांजू। ठीक है, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे, चीन ने 18 अगस्त 2017 को अपना पहला साइबर न्यायालय देश को लोकार्पण किया। ठीक है, जो ऑनलाइन विवादों को भी देखेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपको करंट अफेयर को फोकस करना चाहिए। करंट अफेयर के क्वेश्चन कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर क्वेश्चन। तो याद रखना, आपको करंट अफेयर में ज्यादा फोकस करना अगर दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।